नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं आने वाले पांच सवालों का देकर सही जवाब लेकर जाने के लिए हाजिर था। तो हम सभी ने कल तो बड़े ही प्यार से बाप दादा को याद किया, बाप दादा मिलन मनाया और बाबा की हर बातों को अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चों का एक कदम और हजार गुना कदम मदद बाप की मिलती है। इसलिए बस दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए स्व के स्वभाव और संस्कारों का परिवर्तन अब करना ही है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो चलिए मिलकर चलते हैं उस राह पर और भर लेते हैं शक्तियाँ कि कल की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा था। बाबा कहते मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। साथ ही साथ बाबा तुम्हें आशीर्वाद देते कि तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, काल मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विकार को छोड़ना होगा, यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होती जो श्रीमद तेरे संतन जन्म में पवित्र बनते और बनाते। बाबा कहते बच्चे दुनिया बदल रही इसलिए पावन जरूर बनो। गीत बजा था ओम नमः शिवाय। साथ ही साथ बाबा कहते ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटो, इस दुख धाम को भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया उस पर चलना है। पतित कभी नहीं बनो, ब्राह्मण से फरिश्ता से जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्वाकर्षण मुक्त आत्मा बनो और अपने संस्कारों को इतना सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएगा। तो देखिए कल भी बाबा ने यही बताया, संस्कारों को सरल बना लो तो सब कार्य इजी हो जाएगा। तो बस बना ले अपने संस्कारों को सरल, हर किसी को एक्सेप्ट कर ले तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमने प्यारी सी मीठी सी शुरुआत तो कर ली है और प्यार से कल की मुख्य पॉइंट्स को भी रिवाइज कर लिया। अब हम उस पड़ाव पर आ पहुँचे जहाँ पे हमने आज की मुरली से रखना है पांच सवाल और आपको देना है उसका सही जवाब। तो चलिए करते हैं प्यारी सी शुरुआत इसकी भी और रखते हैं पहला प्रश्न। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए, इसलिए सर्विस कैसे करो? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए देह अभिमानी बनकर, ऑप्शन बी निमित निर्माण भाव से, ऑप्शन सी ऑनेस्ट बन प्यार से, ऑप्शन डी त्याग और तपस्या भाव से। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त है, जो ऑप्शन सी ऑनेस्ट बन प्यार से। तो फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं और मुबारकें आप सभी को। कर दिखाया है आपने कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स फिर एक बार। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी को फिर से, क्योंकि 10 पॉइंट्स आपने जब अपने नाम कर लिया है तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयों के साथ फिर उस पड़ाव पर हम आ पहुँचे जहाँ पे हम आपके सामने रखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है आज की मुरली का गीत क्या है? चार ऑप्शन, ऑप्शन है तुम्हें पाकर हमने, ऑप्शन ये वक्त, चार ऑप्शन सी माता माता, ऑप्शन डी तूने रात गवाई सो के, और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन भी है वक्त चारा है और आपका वक्त जो है खत्म भी हो गया, सही जवाब भी बता दिया। तो आपको दिल से देते हैं बधाइयां फिर एक बार, बज उठी हैं तालियां आपके लिए स्टूडियो में, क्योंकि आपने फिर से कर दिखाया कमाल, 10 पॉइंट से संपन्न हो गया, इसलिए पदम गुणा बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। तो चलिए बहुत सारी बधाइयों के बाद दो पड़ाव पूरे करने के बाद ज्ञान रतन से भरपूर होते हैं। बाबा कहते जितना प्यार से अक्की सेवा करो उतना कमाई, सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। तो देखिए कितनी प्यारी बात बाबा ने कही है। अब बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। समझते हैं गृहस्थ ने तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करे, वानप्रस्थ की माना ही क्या? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए घर गृहस्थ से संन्यास, ऑप्शन बी विकारों को छोड़ना, ऑप्शन सी वाणी से परहेज, और ऑप्शन डी वृद्धा अवस्था में प्रवेश करना। और आपका वक्त शुरू होता है। Thank you.
वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी विकार को छोड़ना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विकार को छोड़ने के लिए भी मुबारक है और इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी को हम देते हैं बार बार। तो मुबारक हो, मुबारक हो और बेहद 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 मुबारक हो। बधाइयाँ, 3 पड़ाव पूरे, 3 सवाल पूरे, 30 पॉइंट्स हैं, तो बस कुछ प्रश्न की दूरी है। तो दूरी को खत्म करते रखते 4th सवाल, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है, फिर बंधन आप ही कैसे छूट जाएंगे? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए सर्विसेबल बनने से, ऑप्शन बी योग लगाने से, ऑप्शन सी समय आने पर, ऑप्शन डी बंधन को संबंध बनाने से आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन है सर्विसेबल बनने से। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। आप सभी ने लूट ली है और भरपूर हो गए हैं आप, और अगर 40 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन भी आपने अपने नाम कर लिया, इसलिए पदम गुणा बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि आप सभी हैं ही हकदार। तो मुबारक हो। तो चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ भी लेते हुए अविनाशी ज्ञान रत्नों से कमाई जमा करते हैं। बाबा कहते अपने को सदा खुश रखने के लिए सदा अपने को सर्विस में बिजी रखो, कमाई होती रहेगी, सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए, ऑनेस्ट वन, प्यार से सर्विस करो, सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनो, कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। और चलिए, बहुत प्यारी शिक्षाओं के बाद बढ़ते आगे रखते हैं आज का अंतिम सवाल। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे, समझो संन्यास धर्म के कितने एक्टर्स उतने फिर होंगे? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए 1 या 2 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी अनगिनत। कब अक्षर होता है? वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन ए 1 या 2 करोड़। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार बधाई आप सभी को कि आपने फिर से कर दिखाया है कमाल, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स आप फिर एक बार। तो बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, मुबारकें और मुबारकें, क्योंकि 40 और 50 पॉइंट्स लेने वाले भाई बहन कर लेते हैं अपने नाम ताज, तो इसलिए बधाई हो, बधाई हो और यह बधाई हो। तो चलिए, अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हाथ भी सिर पर आ गया है, सारे समय बाप दादा आपके साथ थे, अब वरदान भी दे रहे हैं और बड़े ही प्यार से कह रहे, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, निरोगी भवा, और सर्व शक्तियों से आपको कर रहे हैं भरपूर। तो परमात्मा की सर्व शक्तियों से आप भरपूर हैं, परमात्मा दिल से दुआएं और मुबारक, मुबारक और मुबारक दे रहे हैं। तो ऐसे भाई बहनों को दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए, इन्हीं बधाइयों के साथ अब लेते हैं विदाई, इसी वायदे के साथ कल फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय।